स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का लेसन नंबर टू, जिसका नाम था अ वाइज क्रैब। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि एक सारस होता है जो कि बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका होता है। अब वो अपना खाना जो है नहीं पकड़ पाता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और जिस तालाब के पास वो रहता है वहाँ की मछली और केकड़े को वो बोलता है कि ये तालाब जो है बहुत जल्दी मिट्टी से भरने वाला है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाता हूँ। और जितने भी जो क्रिएचर्स होते हैं वो उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो उनके साथ चले जाते हैं और वो धीरे धीरे सारी मछलियों को खा जाता है और आखिर में एक बड़ा क्रैब बचता है और वो सारस को बोलता है कि अंकल आप मुझे भी यहाँ से ले जाओ। तो बच्चों हम उसके आगे की रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स माई यंग फ्रेंड सेड द स्टॉक। स्टॉक बोलता है हाँ ज़रूर मेरे दोस्त, आई एम हियर टू हेल्प यू, कम आई शैल टेक यू टू द बिग पॉन्ड। वो बोलता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ, क्या मैं तुम्हें उस बड़े तालाब के पास ले जाऊँ। द क्रैब वॉज हैप्पी वेन द स्टॉक पिक्ड हिम अप एंड फ्लू अवे। वो केकड़ा बहुत खुश होता है जब सारस उसको उठाता है और वहाँ से दूर ले जाता है। आफ्टर अ वाइल द क्रैब लुक डाउन। थोड़ी देर के बाद जो केकड़ा है वो नीचे देखता है। ही वॉन्टेड टू सी द पॉन्ड ही वॉज गोइंग टू लिव इन। वो उस तालाब को ढूंढता है जहाँ उसने जाना होता है। बट ही कुड नॉट सी एनी वाटर एनी वेयर, बट उसको कहीं पर भी पानी नहीं दिखता। सून द स्टॉक वॉज फ्लाइंग डाउन। और थोड़ी देर बाद जो सारस है वो नीचे की तरफ उठता है। अंकल वेयर इज़ अ बिग पॉन्ड यू आर टेकिंग मी टू। फिर क्रैब उससे पूछता है अंकल वो बड़ा तालाब कहाँ है जहाँ आप मुझे ले जाने वाले हो। हा 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 लाफ द स्टॉक। स्टॉक हंसता है। डोंट यू सी द ह्यूज रॉक डाउन देयर। वो उसे कहता है क्या तुम वो बड़े पत्थर नहीं देख रहे नीचे। दिस इज़ द प्लेस आई एम टेकिंग यू टू। ये वही जगह है जहाँ मैं तुम्हें लाने वाला था। दैट इज़ द प्लेस आई शैल ऑल द फिश टू। और यहीं पर मैंने बाकी मछलियों को भी लाया था। द क्रैब कुड नाउ सी द रॉक क्लियरली। अब क्रैब जो है वो उन पत्थरों को ध्यान से देखता है। देयर वॉज हीप्स ऑफ फिश बोन्स ऑन द रॉक। और वो देखता है कि उस पत्थर के पास मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा होता है। हीप्स होता है ढेर। ही वॉज फ्रिटन ही न्यू द स्टॉक वुड लैंड ऑन द रॉक किल हिम एंड ईट हिम अप एंड ही हैड डन विद ऑल द फिश। उसको ऐसा लगता है महसूस होता है कि सारा सब उसे उस रॉक के पास ले जाएगा और मारकर खा जाएगा जैसे उसने बाकी मछलियों के साथ किया। द क्रैब थॉट हार्ड सडनली ही टग हिज शार्प क्लॉज इन टू द स्टॉक नेक। क्रैब वो थोड़ा सोचता है और तुरंत ही अपने जो उसके पंजे होते हैं उसको उस सारस के गले में खुबाता है। द स्टॉक स्ट्रगल्ड फ्लैप्ड हिज विंग एंड ट्राई हिज बेस्ट टू गेट राइड ऑफ द क्रैब। और जो सारस होता है वो बहुत कोशिश करता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है ताकि वो खुद को छुड़ा सके। द लेटर वॉज प्रेसिंग द बर्ड्स नेक विद ऑल हिज स्ट्रेंथ इट टू द पॉन्ड इन विच ही लिव्ड। और फिर वो जो क्रैब होता है वो अपनी पूरे जोर से अपने पंजों को उसके गले में दबाता है और उसको उस तालाब के पास ले जाता है जहाँ वो रहता है। हिज फ्रेंड्स इन द पॉन्ड वॉज सरप्राइज टू सी हिम बैक। और उसके जितने भी बाकी दोस्त होते हैं वो उसे वापस आते देख कर हैरान होते हैं। वाई ब्रदर दे आस्क वाई हैव यू कम बैक वट हैपन टू द अंकल स्टॉक। वो उसे पूछते हैं क्यों भाई तुम वापस क्यों आ गए और इस सारस अंकल सारस के साथ क्या हुआ है। हियर ही इज सैड द क्रैब ओनली हिज हैड। वो ने बोलता है ये रहा वो इसका सिर्फ इसका सर। ही देन टोल्ड दैम हाउ द स्टॉक हैड बीन चीटिंग दैम एंड हाउ द लाई हैड पुट एन एंड टू हिम। फिर वो उसको पूरी बात बताता है कि किस तरह से उस सारस ने उनके साथ चीटिंग की और झूठ बोला। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो ये हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।